हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद स्पीड वी। द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ए इज 4v एंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ बी इज ऑल्सो 4v। इफ द सेंटर ऑफ द लाइन ए बी इज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द मिरर, देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विल बी। सो बेसिकली हमें इस ऑब्जेक्ट ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ऑप्शन ए इज 3l/2, बी ऑप्शन 5l/3, सी ऑप्शन इज एल एंड डी ऑप्शन इज 4l/3। सो अगर हम इस सिनेरियो को रीड्रॉ करें, सो वी कैन से यहाँ पे हमारा मिरर है। ऑलराइट, ये मिरर गिवन है हमें, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ऑलराइट, और हमें सेंटर से जो दूरी दी है, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। लेट सपोज ये हमारा सेंटर है और यहाँ से जो दूरी है मिरर तक की, वो हमें एल गिवन है। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर ये हमारा पोल हो गया यहाँ पे, और डिस्टेंस हमेशा पोल से ही मेजर किया जाता है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एल ओवर हियर। सो हम मान लेते हैं, लेट एक्स बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब वेदर वो ए हो बी हो कुछ भी हो सकता है, एंड लेट वाई बी इमेज डिस्टेंस। ऑलराइट, वो ए की इमेज हो सकती है, वाई की इमेज हो सकती है, एनीवेज सो हम जस्ट उसे एक ही मान रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। सो बाय मिरर्स फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ऑलराइट, अगर हम इसे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें जो चीज मिलेगी वो होगी, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस था हमारे लिए वो हमने y माना है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमने उसे x माना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे y और x रेस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी -y²dy/dt, और ये हो जाएगा -1x²dx/dt, और फोकल लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, डेट विल बी 0। अब dy/dt क्या होगा हमारा, vy दैट इज इमेज की जो वेलोसिटी है वो, सो फ्रॉम हियर वी कैन से vy अपॉन vx, dx/dt हमारे लिए vx हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू y² / x²। ऑलराइट, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, सो अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड ले लें, नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन के लिए है, सो इफ यू टेक जस्ट द मैग्नीट्यूड दैट इज vy/vx। ऑलराइट, सो हम लिख सकेंगे यहाँ पे के दैट विल बी इक्वल्स टू y² / x². अब एज पर द क्वेश्चन अगर हम ध्यान से एनालाइज करें, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ v और इमेज जो है वो 4v से मूव हो रहा है, सो हमारे लिए y जो है ये इमेज है, सो 4v, और वी कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस एज vy/vx जो होगा हमारे लिए, दैट इज गिवन एज, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो हमें गिवन है, इमेज जो है 4 से चल रहा है 4 टाइम, और ऑब्जेक्ट जो है वो v से चल रहा है, सो इट विल बी 4। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें, देयरफॉर वी कैन से y/x, जो एक्सप्रेशन आएगा y/x का वो आएगा ±2। ऑलराइट, सो अब हम एक बार प्लस लेंगे 2 और एक बार माइनस लेंगे, एंड देन वी विल एनालाइज द कंडीशन फर्दर। सो लेट्स टेक इट ऑन अनदर स्लाइड। सो यहाँ पे y/x हमारे पास ±2 आया, सो फर्स्ट वी विल टेक y/x एज +2। वी कैन से नाउ फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे y/x एज +2। सो यहाँ पे जब हम +2 ले रहे हैं, सो वी कैन अप्लाई मिरर्स फॉर्मूला, सो वी कैन राइट बाय मिरर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं के 1/y + 1/x क्या था हमारा, 1/f। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम कैरफुली एनालाइज करें, सो हम सिचुएशन को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि y को हम ट्वाइस ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर दें, सो वी कैन राइट y विल बी इक्वल्स टू 2x + 1/x इज इक्वल्स टू 1/f। सो यहाँ से वी कैन से इट कैन बी रिटन एज 3x/2x² इज इक्वल्स टू 1/f,
देयरफॉर वी कैन से एफ की वैल्यू जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 इंटू एफ। ऑलराइट, ये आया वाई को प्लस टू सब्सटीट्यूट करने पे। ऑलराइट, नाउ इन द सेम सेंस हम वाई को माइनस टू भी, वाई बाय एक्स को माइनस टू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगेन बाय मिरर्स फॉर्मूला वी कैन री राइट द एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। सो अब y की जगह हम डालेंगे माइनस 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमें x माइनस 2x दैट इज माइनस x अपॉन माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी x की वो मिलेगी f बाय 2। ऑलराइट, सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हमें x की एक वैल्यू मिली है 3/2f और एक वैल्यू f की x की मिल रही है f बाय 2। सो क्लियरली वी कैन से ये वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स और फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट a है वो हमारा दूर है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 3/2f। ऑलराइट, और हमारे पास जो ये b की डिस्टेंस है ये है हमारे पास f बाय। सो यहाँ पे अगर हम इसमें लिखें सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ बी एंड दिस इज द डिस्टेंस फॉर ए वी हैव कैलकुलेटेड। सो हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस जो है फ्रॉम पोल वो आ चुका है इन टर्म्स ऑफ फोकस। और हमें एक चीज और गिवन है एज पर द क्वेश्चन, लेट्स से हम यहाँ लिख लेते हैं इसे। ये डिस्टेंस जो हमें मिला वो मिला एफ बाई टू और जो ए का डिस्टेंस हमें मिला, लेट्स राइट ओवर हियर, यहाँ लिख लेते हैं इसे। ये जो हमें डिस्टेंस मिला ये मिला 3f by 2। ऑलराइट, सो बाय डिफॉल्ट वी कैन से अगर ये पूरा 3f by 2 है और ये f by 2 है सो ab को f होना पड़ेगा। ऑलराइट, और अगर ab f है सो वी कैन से ये मिड पॉइंट था हमारा, सो ये डिस्टेंस f by 2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस f by 2 हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमें लेंथ ढूंढना था इस ऑब्जेक्ट का, सो लेंथ विल बी इक्वल्स टू वी कैन क्लियरली सी ये f by 2 plus f by 2 मिला करके l हो रहा है। ऑलराइट, सो वी कैन से f by 2 विल बी f विल बी इक्वल्स टू l। फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर एज डिस्कस हम लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ की जो भी वैल्यू होगी वो बराबर l के होगी। और अगर l ही हमारा फोकल लेंथ है, जस्ट वी हैव सीन इट ओवर हियर कि f ही हमारा ab है। ऑलराइट, therefore we can say जो focal length की जो value है ये वो l है, therefore length of AB will be equals to l। so ये हमारा correct answer to the question है जो कि match होगा option C के साथ। I hope you understood it well, all the best।